तो जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर ये वेब सीरीज चल रहा है मेरे फ़ोन में, और यहाँ पर मैं जिसके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उसके फ़ोन में चल रहा है। तो दोस्तों जूम ऐप को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करना है। तो प्ले स्टोर ओपन करेंगे और यहाँ से जूम पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल कर लूँगा। इंस्टॉल हो गया, उसके बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपके सामने। उसके बाद आपको अगर कोई मीटिंग ज्वाइन करना है तो डायरेक्टली आप ज्वाइन पे क्लिक करके यहाँ से मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मीटिंग आईडी डालकर उसके बाद पासवर्ड डालना होगा आपको। लेकिन अगर आपको मीटिंग स्टार्ट करना है या होस्ट करना है उसके लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा। पहले आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल सकते हैं या डायरेक्टली आप गूगल या फेसबुक से लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं गूगल से लॉगिन करता हूँ और उसके बाद जब लॉगिन हो जाएगा किसी भी अकाउंट से तो उसके बाद लॉन्च ऐप पे क्लिक, जूम पे क्लिक करना है और कनेक्टिंग हो रहा है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा लॉगिन होने के बाद, और यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं, न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल और शेयर स्क्रीन। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चारों के बारे में बताने वाला हूँ कि किससे क्या होता है। तो सबसे पहले न्यू मीटिंग की बात करते हैं। न्यू मीटिंग में आप लोग यहाँ से एक मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी, यहाँ से पर्सनल आईडी या वर्चुअल आईडी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट मीटिंग में जैसे क्लिक करेंगे तो ये मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा और ये गोट इट अलाउ कर देंगे इसे और अलाउ नाउ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग आईडी और पासवर्ड आ चुका है नाउ। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से जो है मीटिंग ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए मुझे ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे मीटिंग आईडी डालना होगा। मीटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मीटिंग पासवर्ड पूछेगा। मीटिंग पासवर्ड जो आपका ये है नीचे दिया हुआ है जो कि 606651 है, और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा ज्वाइन वीडियो करने के बाद। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा और उस पर क्लिक करेंगे जैसे ही एडमिट। यहाँ पे सी वेटिंग रूम आता है, पहले इसको बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो भी बंदा मतलब आपका आईडी और पासवर्ड डाल के ज्वाइन करना चाहता है आप लोग यहाँ से उसे एडमिट कर सकते हैं। तो मैंने एडमिट पे क्लिक किया और यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं आप लोग दोनों में कनेक्ट हो चुका है। तो ये दोनों ऐसे काम करता है। और जब आपको मीटिंग ख़त्म करनी है तो यहाँ पे आप लीव मीटिंग, मीटिंग से बैकआउट कर सकते हैं या मीटिंग को आप ख़त्म कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मीटिंग ख़त्म हो जाएगा जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ज्वाइन मीटिंग तो मैंने यहाँ पर आपको बताई दी है। शेड्यूल मीटिंग, यहाँ से आप मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं कि कितने बजे आपको मीटिंग लेनी है या होस्ट करना चाहते हैं आप, यहाँ से ये होता है। और यहाँ से शेयर स्क्रीन आता है, यहाँ से जिसके साथ आपको स्क्रीन अपना मोबाइल का स्क्रीन शेयर करना है वो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। लाइक यहाँ से आप लोग मूवी वगैरह एक साथ दो बंदे देख सकते हैं। तो उसके लिए दूसरे बंदे को भी साइन इन करना पड़ेगा पहले। तो मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो फ़ोन में अपने साइन इन कर लिए। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए मैं शेयर स्क्रीन में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे शेयरिंग की और मीटिंग आईडी पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये मीटिंग आईडी डालूँगा जो कि 2676513 और से स्टार्ट मीटिंग पे क्लिक करना। तो यहाँ पे पासवर्ड क्लिक करेंगे नाउ, अलाउ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे पासवर्ड डालना है 520088 520088। ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये कनेक्टिंग दिखा रहा है और यहाँ से फिर से आपको एडमिट पे क्लिक करना है और ये स्क्रीन शेयरिंग ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दोबारा से बता रहे हैं कि स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको अलाउ कर देंगे और बैक करेंगे यहाँ से। उसके बाद जैसा कि देख सकते हैं आप लोग ये जो है स्क्रीन शेयर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ से आप लोग कोई भी मूवी या वीडियोस वगैरह अपने दोस्तों के साथ एक साथ देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक वेब सीरीज चला के दिखाता हूँ कि इस पर चलता है कि नहीं चलता है।
तो जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये वेब सीरीज चल रहा है मेरे फ़ोन में, और यहाँ पर मैं जिसके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उसके फ़ोन में चल रहा है। तो इस एप्लीकेशन में ये भी दिक्कत है कि ये जो एप्लीकेशन है इसके लिए आपको मतलब इंटरनेट की स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा हाई चाहिए होती है। जब भी आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो इंश्योर कर लें कि आपके पास इंटरनेट और सामने वाले के पास इंटरनेट ज़्यादा मतलब हाई स्पीड वाला है, नहीं तो आपको ऐसा ही लैग देखने को मिल सकता है जो मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप ऑनलाइन कंटेंट चलाते हैं तो स्क्रीन शेयर करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं कोई भी राधा कृष्ण चलाते हैं, ओके नाम यहाँ से ये प्ले हो रहा है, यहाँ पर ये प्ले हो चुका है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ भी शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे ऐड भी चल रहा है लेकिन यहाँ कुछ शो नहीं कर रहा है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा इसमें कि अगर आपको इस मोबाइल में अपने मोबाइल में ऐसा कुछ दिख रहा हो तो इसको यहाँ पे दबाना और यहाँ पे एक बटन आएगा इस पे ऑल कर देना, तो ये बहुत ही बढ़िया चलेगा। इसके बाद ट्राई करना अपने घर पे। कुल मिला के चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को ऐसे लाइक कर देना। धन्यवाद।